आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ट्रांसफर, हमें एक बहुत ही अच्छी टर्म डिस्कस करनी है, दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम, और जिसके ऊपर हमारे एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा और समझिएगा। डिस्पोजेबल इनकम, सबसे पहले डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम विच इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ consumption and savings, वो इनकम जो हमारे पास अवेलेबल है किस पर्पस के लिए, या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए या सेविंग्स पर्पस के लिए। अब बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको सुननी है और समझनी है, ध्यान से समझिए। सपोज एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मिस्टर ए है, उन्होंने जॉब करते हैं, जॉब करके उन्होंने सैलरी रिसीव करी 80,000 रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी एक लॉटरी लग गई और लॉटरी से उनको इनकम हुई 20,000 रुपए। तो एक बात बताओ, टोटल उन्होंने कितना कमाया? सर 1,00,000 रुपए। कितना कमाया? 1,00,000 रुपए। अब ध्यान से देखिए, ये जो उनको 80,000 रुपए सैलरी इनकम मिली, इसको तो मैं कहता हूं अर्नड इनकम, और अगर मैं देसी वर्ड में बोलूं सो कॉल्ड एज मेहनत की कमाई। यू डोंट नो बेटा जी, दिस इज मेहनत की कमाई। बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने जॉब करी, जॉब करके उन्हें जो सैलरी मिली 80,000 रुपए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अर्नड इनकम, और यू कैन से फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। ठीक है जी, जबकि उनकी जो लॉटरी इनकम उन्हें 20,000 रुपए मिली, क्या इसके बदले में इन्होंने कुछ दिया? यह मत कहना सर लॉटरी खड़ी रही थी। लॉटरी इनकम उनको 20,000 रुपए मिली, बदले में इन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ा। तो दिस इज व्हाट ट्रांसफर इनकम, जिसको मैं बोलता हूं अनअर्नड इनकम, बिना मेहनत की कमाई, ट्रांसफर इनकम, या आप कह सकते हैं अनअर्नड इनकम, क्योंकि इसके अगेंस्ट उन्होंने कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी। अगेंस्ट दिस नो फैक्टर सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड, अगेंस्ट दिस नो फैक्टर सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड, जबकि इसके अगेंस्ट उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है। अगेंस्ट दिस फैक्टर सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड, इसके अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स जो होती हैं उसके अगेंस्ट हमने कोई फैक्टर सर्विस नहीं दी, इसके अगेंस्ट हमने फैक्टर सर्विस दी है। क्योंकि ट्रांसफर इनकम्स ऐसी इनकम्स होती हैं जो कि हमारी ऐसी इनकम्स हैं जिसके अगेंस्ट हमने कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, इसलिए इन्हें नेशनल इनकम काउंटिंग में कंसीडर नहीं किया जाता, नॉट कंसीडर्ड इन नेशनल इनकम काउंटिंग। हाउएवर कंसीडर्ड फॉर डिस्पोजेबल इनकम, बट डिस्पोजेबल इनकम के लिए किया जाता है। अब ये क्या है सर, ध्यान से समझना, आराम आराम से बेटा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं करनी हमें, बड़ा आराम से समझ के करना है, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीजें हैं। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, इनकम विच इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। एक बात बताओ भाई, तुमने 80,000 रुपए ये कमाए, 20,000 रुपए लॉटरी इनकम, तो तुम्हारे पास खर्च करने के लिए टोटल इनकम जो अवेलेबल है वो 80,000 रुपए या 1,00,000 रुपए, बस मुझे इतना जवाब दो। 80,000 है या 1,00,000 है? 1,00,000 है सर। तो जो टोटल इनकम आपके पास अवेलेबल है वो कमा के आया या बिना कमाया है, मुझे इससे मतलब नहीं है, स्मगलिंग करके आया, मुझे इससे भी मतलब नहीं है। मेरे पास जो टोटल इनकम अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, एंड इट इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एज वेल एज द ट्रांसफर इनकम। इट इज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक
इफ यू विल से दैट ओनली ट्रांसफर इनकम विल बी कंसिडर्ड इन डिस्पोजेबल इनकम। तो जब आप डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हो सिर्फ उसमें फैक्टर इनकम भी आती है और ट्रांसफर इनकम भी आती है, जबकि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या कंसिडर करते हैं, ओनली फैक्टर इनकम, ओनली फैक्टर इनकम्स आर कंसिडर्ड फॉर नेशनल इनकम। सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स को कंसिडर किया जाता है, किस पर्पज के लिए, नेशनल इनकम के लिए। क्यों? क्योंकि ये वो इनकम होती है जिसके अंदर जिसके अगेंस्ट हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। बिकॉज इसका जवाब भी आपको मिल गया, जबकि ट्रांसफर इनकम के अगेंस्ट कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती, इस वजह से उन्हें नेशनल इनकम काउंटिंग के अंदर हम कंसिडर नहीं करते। तो ब्रॉड व्यू अभी तक जो आपको क्लियर होना चाहिए, सीधी सी एक समरी अगर मैं आपको बताऊं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्पोजेबल इनकम आई विल कंसिडर बोथ फैक्टर इनकम्स एज वेल एज ट्रांसफर इनकम्स। हाउएवर इफ यू विल टॉक अबाउट नेशनल इनकम I will consider only factor incomes, not the transfer income. And why? The reason is very clear. Why it is not considered? Because no factor services against such income has been provided. Against such income has been provided. So reason is very clear. Got it. Now here you have to study two types of disposable incomes. What are these? We have to study two types of disposable income. Types of disposable income. The very first is national disposable income, and that second we have to study is personal disposable income. ये दो चीजें हमें इसके अंदर स्टडी करनी है। तो मैं अभी आपके साथ बड़ी डिटेल में एक एक करके सारी चीजें कंसिडर करूंगा। उससे पहले आप ये सारा का सारा एक बार फटाफट अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए फास्ट।